हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडोटैप। कैसे आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और घर पे ही रह के अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं भी ये वीडियो आप लोगों के लिए घर से बना रहा हूँ और कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए लेक्चर लेके आ रहा हूँ। टाइम एंड डिस्टेंस अभी हमारा चल रहा था, अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑलरेडी मैं 4-5 लेक्चर आप लोगों को करा चुका हूँ। बड़ा चैप्टर है, सबसे टफ चैप्टर माना जाता है टाइम एंड डिस्टेंस को, और 90% स्टूडेंट को ये चैप्टर समझ में नहीं आता है। लेकिन जैसे कि आप लोग कमेंट करके बता रहे हैं कि आप लोगों को बहुत मजा आ रहा है टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ने में, तो स्टूडेंट्स टाइम एंड डिस्टेंस की DI हम लोग पहले कर चुके थे, ठीक है। अब और DI करने, एक DI एक चार्ट हम लोग कर चुके हैं, तो आज मैं टाइम एंड डिस्टेंस की लास्ट DI आप लोगों को कराने वाला हूं, जिसमें मैं दो चार्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। फर्स्ट बहुत इजी होगा, सेकंड ठीक ठाक होगा, और इनका जो लेवल रहेगा, देखो लेवल मैंने वही रखा है जो आपके सेबी के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सेबी के एग्जाम में पूछा जाता है, इतना याद रखना, क्योंकि जो क्लास है वो सेबी के लिए चल रही है और आज का जो लेक्चर है हमारा वो 14th लेक्चर है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप सेबी का कोई भी कोर्स परचेज करते हैं एडुटैप से, तो एडुटैप के जितने भी सेबी के कोर्स है सब पे ही 30% डिस्काउंट चला हुआ है, जहां पे आप लोग कूपन कोड यूज कर सकते हैं SEBI30। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कॉल कर सकते हैं 8146207241 पे। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा रिजल्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। एडुटैप के रिजल्ट 2019 के बहुत ही शानदार रहे, आप लोग देख सकते हैं। नबार्ड ग्रेड ए 2019 में 45 सिलेक्शन आउट ऑफ 41 सीट, नबार्ड ग्रेड बी 2019 4 सिलेक्शन आउट ऑफ 8 सीट, RBI ग्रेड बी 2019। फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया, लेकिन 215+ स्टूडेंट एडुटैप के थे जिन्होंने फाइनल इंटरव्यू दिया, ठीक है। अब फिर से एक बात बता देता हूं आपको, 30% डिस्काउंट है, कूपन कोड SEBI30 है। स्टार्ट करते हैं DI। जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे पहले एक बहुत इजी सी मैं DI कराने वाला हूं। इस DI का जो लेवल है वो मैं पहले बता देता हूं, इजी, मैं मॉडरेट भी नहीं कहूंगा, इजी ही कहूंगा, ठीक है। और इस तरह की DI आपसे सेबी में पूछी जा सकती है, ठीक। तो इसीलिए अब मैं चाहता हूं कि सारे क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट करो, और आपने इतना पढ़ लिया टाइम एंड डिस्टेंस, आप कोशिश करो कि 4 मिनट के अंदर अंदर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दो, ठीक है। सॉल्यूशन तो मैं कराऊंगा ही, लेकिन प्लीज आप पहले खुद से ट्राई करो, उसी के बाद ये सॉल्यूशन देखने। हालांकि ये बहुत ही ईजी DI है, आपको सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या कह रहे हैं, पहले ग्राफ में दिया है टाइम टेकन ट्रेवल इन आवर्स बाय 6 व्हीकल इन ऑन 2 डिफरेंट डेज। 2 दिन दिए अलग अलग, 6 अलग अलग हमें व्हीकल दिए गए हैं, उनका टाइम दिया गया है KLMNO एंड P, ये दिया हुआ। और यहाँ पे देखिए Day 1 एंड Day 2, इतना याद रखना। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन इस तरीके से हो सकता है, पहले ग्राफ में जो Day 2 है वो ब्लू से दिखाया गया है, और दूसरे ग्राफ में जो Day 1 है वो ब्लू से दिखाया गया, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। दूसरा ग्राफ क्या कह रहा है, डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर्स बाय 6 व्हीकल ऑन ईच डे। अब यहाँ पे तो आपको टाइम दिया गया है, टाइम की कितना टाइम तक ट्रेवल किया, और इस वाले ग्राफ में आपको डिस्टेंस दी गई है, बस इतना डाटा है, इसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं सोचना है। यहाँ पे टाइम आपको आर्स में दे दिया, यहां पे किलोमीटर में दे दिया, इससे तो अच्छी बात ही नहीं है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन इस DI का क्या कह रहा है आपको, व्हाट इज द स्पीड ऑफ व्हीकल M ऑन Day 2 इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड। अब आपसे बताओ, M की जो स्पीड जानना चाह रहा है वो कब जानना चाह रहा है, Day 2 पे जानना चाह रहा है। और आपको इतना तो पता ही है कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब Day 2 की अगर बात करें, और किसकी बात करें, M की बात करें, तो डिस्टेंस कितना है इसका, 810, तो आप लिख लीजिए 810। और टाइम की अगर बात करें, M की बात करनी है Day 2 जो कि ब्लू है, टाइम कितना दिया हुआ है 18 आवर्स, तो डिवाइड बाय 18, तो कितना आ गया 45 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आंसर आपसे जानना चाह रहा है मीटर पर सेकंड में, और मैंने बताया हुआ है अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आपने चेंज करना है तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 5/18, तो आप क्या कर देंगे 45 × 5/18, ये आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड में, मतलब ये मीटर पर सेकंड में आपका कितना आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन, क्लियर भाई। देखो 9 से कट करेंगे 5, 9 से कट करेंगे 2, 25/2, 12.5 ही तो होता है, क्लियर हुआ है नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, बिल्कुल भी टाइम नहीं लेना है। क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड व्हीकल ए ऑन Day 1 एंड स्पीड व्हीकल एम ऑन द सेम डे। मतलब के की स्पीड निकालनी है Day 1 पे, के की स्पीड Day 1 और एम की स्पीड Day 1, ठीक है।
और आपको ये पता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैं बार बार बता रहा हूँ, और फिर इन दोनों का डिफरेंस आपने बताना। तो सबसे पहले बात करते हैं के की। के जो है अगर डे वन की बात करें तो 832 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अगर मैं के की बात कर रहा हूँ तो डिस्टेंस 832 कवर कर रहा है, और अगर डे वन की बात करें तो ये कितने में के की बात करें तो 16 आर में कवर कर रहा है। तो डिवाइड बाय क्या हो गया 16, कितना आ जाएगा 52 किलोमीटर पर आर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं एम की। डे वन एम की बात करते हैं, डे वन की बात करते हैं 693, और इसे अगर टाइम करें बात तो कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे देखो आप लोग, एम की बात चल रही है, ये रहा 11, भाई 12 और 10 के बीच में तो 11 आर, तो यहाँ पे कट कर देंगे कितना आ जाएगा 63 किलोमीटर पर आर। इसने इन दोनों का डिफरेंस ही तो पूछा है, डिफरेंस कितना हुआ, सिंपल 11 किलोमीटर पर आर, 63 में से 52 माइनस कर दिया, सी ऑप्शन है। सिंपल है या नहीं है बताओ? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आगे चलते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ व्हीकल एन एंड व्हीकल ओ डे टू। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ स्पीड की बात कर रहा है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और आप लोग डिस्टेंस अपॉन टाइम सीधा सीधा लिखते चले जाइए एन का और ओ का, और डे टू की बात कर रहे हैं। एन की अगर बात करें डे टू की तो टोटल 765 का डिस्टेंस कवर कर रहा है, और एन की बात करें डे टू की तो टोटल टाइम इसे लग रहा है 15 आवर्स टोटल टाइम, तो ये स्पीड आ गई। ओ की बात करते हैं, ओ की अगर बात करें डे टू पे कितना चल रहा है 546 जा रहा है ये, तो 546, और अगर ओ की बात करें और ओ की डे टू पे बात करें तो टाइम कितना है 14 आवर्स इसे लग रहा है। अब यहाँ पे कट करोगे तो आपको मिलेगा 51 सीधा सीधा, और यहाँ पे कट हो जाएगा 39 टाइम्स। अभी भी 3 से कट हो सकता है, 3 से कट हुआ तो कितना आ जाएगा 17:13, आंसर कितना होगा 17:13। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा कुछ भी टफ नहीं था इसमें, ठीक है। इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आपके पेपर में आ नहीं सकता है, लेकिन आ सकता है इसीलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल्स ट्रेवल एट द सेम स्पीड ऑन बोथ डेज। स्टूडेंट्स मैं ये कहूंगा कि आप अगर करना चाहो इस तरह के क्वेश्चन को तो आप कर भी सकते हो, नहीं तो मैं कहूंगा कि आप इसे स्किप कर दीजिए क्वेश्चन को। क्यों, क्या कह रहा है ये? ये कह रहा है कि भाई हर दिन हर एक व्हीकल की स्पीड निकालो और फिर देखो कि कौन से व्हीकल की स्पीड सेम आ रही है। तो आपको 6 व्हीकल की स्पीड निकालनी पड़ेगी आपको हर दिन, और फिर देखना पड़ेगा। तो मतलब ईजी है, लेकिन कितना कैलकुलेटिव है। अगर 5 में से आप 4 क्वेश्चन ईजिली कर पा रहे हैं डीआई के, तो थोड़ी सी आपको शांति रखनी पड़ेगी और आगे टॉपिक पे चला जाना होगा, आगे क्वेश्चन पे चला जाना होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम है बाद में, तो बाद में आप इस टाइप के क्वेश्चन पे लौट के आ सकते हो, जहां पे आपसे हर एक व्हीकल का डाटा निकलवाना चाह रहा है। हालांकि इसका आंसर जो है वो व्हीकल एल है, मैं आपको बता देता हूं, व्हीकल एक एल ऐसा है जिसकी दोनों दिन स्पीड सेम होगी, ठीक है। एल की अगर बात करें, एल की अगर फर्स्ट डे स्पीड की बात करें, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो फर्स्ट डे डिस्टेंस कितनी है 516, तो 516, और अगर L के फर्स्ट डे की बात करें तो टाइम कितना है 12 आवर्स, तो डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो आंसर आपको यहां पे मिल जाएगा 43 किलोमीटर पर आवर। और अगर L का सेकंड डे की बात करें तो L जो है सेकंड डे में कितना जा रहा है 774, और अगर सेकंड डे के टाइम की बात करेंगे तो टाइम कितना है 18, तब भी कितना आ रहा है आपका 43 किलोमीटर पर आवर। तो आप देखो दोनों दिन सेम स्पीड है, तो यही आंसर होगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट देखो, अगर आप उस क्वेश्चन को छोड़ रहे हो, अगले क्वेश्चन पे जा रहे हो, तो आपको एक सेकंड में, 10 सेकंड में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और हो सकता है आगे भी क्वेश्चन बहुत इजी हो और सॉल्व होने के लिए बैठे हैं और हम उनके पास तक पहुंच ही नहीं पाए। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पी ऑन वन डे वन approximately what percent of the distance travel it on day 2. Day 1 में अगर बात करें P की, 636 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, और डे 2 में 703 का। तो हमसे व्हाट परसेंट पूछा गया, तो व्हाट परसेंट क्या पूछा गया कि भाई 636 इज व्हाट परसेंट ऑफ 703। अब देखो आप इसे फ्रैक्शन में ही रहने दो, अभी या तो आप इनटू 100 करके इसे सॉल्व कर दो,
टाइम लगेगा, नहीं तो अगर आप इसे फ्रैक्शन में ही रहने दोगे 636/703 और मैं बाद की दो डिजिट इग्नोर भी मार देता हूं तो ये कितना हो गया 6/7, तो भी ये 80% से ऊपर ही आएगा, 80% से ऊपर ही आएगा, प्लस ही आएगा। तो 80% से प्लस एक ही आंसर है, कौन सा? 90%। तो यही आंसर होगा, बाकी कोई सा नहीं, आप देख लेना चाहे। क्लियर है? अप्रोक्सीमेट बात कर रहे थे, इस तरीके से हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकालते हैं। नेक्स्ट डीआई देखते हैं। नेक्स्ट डीआई अच्छी डीआई है, मतलब ये भी ठीक ठाक डी आई थी, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं, नेक्स्ट में और मजा आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। अब नेक्स्ट ग्राफ क्या कह रहा है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अच्छे होंगे, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, ठीक है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं मैंने उसी तरह के ग्राफ लिए हैं जो आपके एग्जाम के लेवल के हैं, उससे हाई नहीं गया मैं, ठीक है। ये सेबी के लिए मैं आपको करा रहा हूं, अगर सेबी में डीआई आती है टाइम एंड डिस्टेंस की तो इससे ज्यादा टफ नहीं आएगी। तो क्वेश्चन क्या है कि सम वैल्यूज आर मिसिंग, देखो इस ग्राफ में कुछ वैल्यू मिसिंग है, आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन टेबल एंड इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन, ठीक। यहां पे हमें दिया गया है कि टोटल डिस्टेंस जो है वो 2400 है, और अब की बार हमें जो भी चीजें दी गई है वो परसेंटेज में नहीं है, डिग्री में। जैसे जो विजय है वो टोटल डिस्टेंस को 45 डिग्री कवर करता है, आपको ये पता है कि टोटल पाई चार्ट का 360 डिग्री का होता है टोटल पाई चार्ट, और इस 360 डिग्री को किलोमीटर में कितना लिखा गया है, 2400 किलोमीटर रखा गया है। तो 360 डिग्री की वैल्यू अगर 2400 है तो आप 45 डिग्री की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, आप 93 डिग्री की भी निकाल सकते हैं, आप 57 डिग्री की भी निकाल सकते हैं। दूसरी बात सुकु, और अब बात करें कमल की, तो x और y डिग्री इन्हें दिया गया है, कितना दिया गया है x और y डिग्री। अब एक बात सुनो यहां पे, अगर मैं x प्लस y, x डिग्री प्लस y डिग्री यहां पे डाटा निकाल लेता हूं, क्या पता आगे काम आ जाए। तो देखो टोटल तो 360 डिग्री होता है, और अगर मैं बात करूं 93 मतलब धामू की बात करूं, विजय 45 और जो गोकुल है वो 57 है, टोटल हुआ 195। तो मैंने इसमें से माइनस कर दिया, किसमें से, 360 में से 195 क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो कितना बचा मेरा 165। तो 165 डिग्री कौन है, ये है x प्लस y डिग्री, x प्लस y डिग्री कितना है 165 डिग्री, 165 डिग्री ऑफ 2400, 165 डिग्री ऑफ 2400, ये याद रखना। हालांकि अगर मैं 2400 का 165 डिग्री निकाल भी देता हूं, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, तो कैसे निकालेंगे 165 डिग्री, तो 360 डिग्री की वैल्यू ये रही, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2400 अपॉन 360, मुझे चाहिए 165 की, तो 165। बात समझ में आती है, एक जीरो से जीरो, अगर 12 से कट करेंगे तो 20, और यहां पे 12 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 3, और ये आ जाएगा 55 into 20 कितना हुआ 1100 किलोमीटर। क्या पता आगे डाटा काम आ जाए, ये मैंने जस्ट निकालने के लिए बताया आपको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहां से हमारे पास x डिग्री प्लस y डिग्री आ गया 1100, अब बाकी आगे देखते हैं। अब यहां पे आपको पर्सन दिया, स्पीड दिया और टाइम दिया, जैसे विजय की बात करें तो विजय की स्पीड दी है 60 किलोमीटर पर आवर, और विजय का टाइम भी दिया है 300 मिनट। मिनट को अगर आवर में चेंज करना है तो बताया हुआ है डिवाइड बाय 60 करें, कितना हो जाएगा 5 आवर्स। बाकी गोकुल का, कमल का, यहां दोनों ही चीजें मिसिंग है, गोकुल की एक चीज मिसिंग है और टाइम दिया गया है, सुकू की दोनों चीजें मिसिंग है, धामू की सिर्फ स्पीड दी गई है और टाइम मिसिंग है, कोई बात नहीं है। अगर देखो धामू की अगर मैं बात करूं, अगर स्पीड दी गई है और टाइम मिसिंग है, मान लो अगर आपको टाइम निकालना है धामू का, तो धामू की डिस्टेंस यहां से निकल जाएगी 93 डिग्री ऑफ 2400। अब बात समझ रहे हैं ना, तो कितना आसान है। तो यहां से आपकी डिस्टेंस निकल जाएगी, आपको स्पीड भी दी गई है तो आपको टाइम भी पता चल जाएगा, क्योंकि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यही सारी चीजें चलती रहेगी पूरे इस ग्राफ में भी। क्लियर है ना? चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत ईजी। आप लोग ध्यान से देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है इफ द टाइम टेकन बाय कमल इज 3 आवर्स मोर देन दैट ऑफ विजय टू कवर द गिवन डिस्टेंस एंड द रेशियो of the distance between Kamal and Soku is 7:4. Find the Kamal's speed. अब Kamal की speed बतानी है। Speed क्या होती है? Distance upon time. तो भाई Kamal की distance पता होनी चाहिए और Kamal का time भी पता होना चाहिए। अगर मैं Kamal के time की बात करूं, तो Kamal का जो time है, अगर Kamal के time की बात की जाए, तो वो 3 hours ज़्यादा है विजय से। विजय का time जो है मैंने निकाला था अभी 5 hours. तो कमल का टाइम हो जाएगा 5 आवर्स से 3 आवर्स और ज्यादा। तो कमल का जो टाइम है वो कितना आ गया, 8 आवर्स आ गया डिस्टेंस कवर करने का।
दूसरा, अगर आपको याद हो यहां पे हमें क्या दिया गया है, कमल और सोकू का जो डिस्टेंस है ट्रेवल किया है उसका रेशियो 7:4। अगर आपको याद हो अभी मैंने कमल और सोकू मतलब क्या हुआ था, एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री, इसकी टोटल वैल्यू निकाली थी कितनी 1100। अगर मैं 1100 को इस रेशियो में डिवाइड करूंगा तो 11 की वैल्यू 1100 हो जाएगी, तो 1 पार्ट की वैल्यू 100, तो 7 पार्ट की वैल्यू 700। मुझे अभी कमल से ही मतलब है, मतलब कमल जो है वो टोटल जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कितनी कवर कर रहा है, अगर डिस्टेंस की बात करें तो 700 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। और फिर बताया स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितनी है 700 और टाइम कितना 8, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 87.5। सिंपल क्वेश्चन था बहुत ही, ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं है ना, कैलकुलेटिव था लेकिन सिंपल था। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत से लोग गलती करते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ कमल एंड विजय, कमल एंड विजय की। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि भाई विजय की स्पीड यहां से आ जाएगी, कमल की स्पीड निकाल ली थी, एवरेज सिंपल तरीके से निकालने लगते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो एवरेज स्पीड मैंने आप लोगों को बताया है, क्या बताया है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये बताया है। इसी तरीके से आप लोग एवरेज स्पीड निकालेंगे, तो टोटल डिस्टेंस, अब एक बार बताओ अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें यहां पे, तो विजय, विजय की अगर बात करें क्योंकि बात यहां पे विजय की हो रही है, तो विजय 60 किलोमीटर पर आर के हिसाब से 5 घंटे चलता है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा 300 किलोमीटर, या आप यहां पे 2400 का 45 डिग्री निकाल लो, तो विजय 300 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, और पिछले क्वेश्चन में कमल का हमने 700 निकाला। विजय का टाइम कितना लग रहा है 5 आवर्स लग रहा है, और पिछले क्वेश्चन में हमने कमल का कितना टाइम निकाला 8 आवर्स निकाला, ये कितना हो जाएगा 1000/13, कितना हुआ 1000/13, जो कि कितना हो जाएगा 76.92 किलोमीटर पर आवर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, टफ नहीं था बिल्कुल भी, और टफ नहीं कहा जा सकता इसे, ठीक है, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन क्या ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है यहाँ पे धामू इज गोइंग टू दिल्ली विद ए स्पीड ऑफ एक्स किलोमीटर पर आवर, दिल्ली इज 384 किलोमीटर फार फ्रॉम हिज हाउस, इफ द टाइम इज टेकन बाय हिम एज सेम एज टू ट्रेवल 324 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एक्स। अब टाइम इसने सेम कहा है, टाइम क्या कह रहा है कि सेम लग रहा है, अब टाइम इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बात समझ में आई। तो पहले केस की बात कर रहे हैं दिल्ली के लिए, तो डिस्टेंस कितनी है मेरे पास 384 और स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर, तो ये भी टाइम हुआ। अब दूसरे टाइम की बात करें तो डिस्टेंस कितनी है 324 और स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकंड, लेकिन किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए मुझे पता है 18/5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत यहां पे नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। देखो बहुत सिंपल सी चीज बताइए, ये कितने टाइम कट हो गया 3 टाइम कट हो गया, ये होगा पूरा 18 टाइम क्योंकि 18 का स्क्वायर है, ये हुआ 6 टाइम, और अगर इसे कट करेंगे तो कितना टाइम 64 टाइम, तो जो x की वैल्यू है वो आपकी कितनी आ गई 64 किलोमीटर पर आवर। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ टाइम एंड डिस्टेंस आपको अच्छे से आनी चाहिए और कुछ नहीं। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द डिफरेंस बिटवीन The speed of Gokul and Suku is 55 km per hour. देखो यहाँ पे सबसे पहले इतना ही डाटा लिख देते हैं, गोकुल और सुकु इनकी जो स्पीड का डिफरेंस है, ठीक है, स्पीड का डिफरेंस वो दिया है 55 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये नहीं बताया कि स्पीड किसकी ज्यादा है, गोकुल की ज्यादा है या सुकु की ज्यादा है। आगे क्या कह रहे हैं, एंड टाइम टेकन बाय बोथ इज 14 आवर्स टू कवर द गिवन डिस्टेंस, 14 आवर्स दोनों को लगे, मतलब टाइम जरूर दे दिया है किसका, गोकुल का प्लस सुकु का, कितना टाइम लगा है 14 आवर्स लगे हैं दोनों को, ठीक है। व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय सुकु टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर पर आवर, ठीक है 250 किलोमीटर सॉरी। अब स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, यहां पे मेरा काम है क्या कि भाई सुकू की स्पीड निकालना, क्योंकि टाइम पूछा है इसके लिए, और टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और मुझे सुकू की डिस्टेंस पता है लेकिन स्पीड नहीं पता है। सुकू की डिस्टेंस गोकुल की हेल्प से आ जाएगी, गोकुल की हेल्प से कैसे, अब एक बात बताओ गोकुल को टोटल 4 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है यहां पे सुनो, और गोकुल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है
डिस्टेंस कवर कर रहा है 2400 का 57%, 57 डिग्री सॉरी, ठीक है 57 डिग्री, ये तो हुई डिस्टेंस। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, अगर मैं यहां पे देखो, यहां पे इसे कट कर देता हूं, अगर ये 0 से 0 कट हो गया, 12 से कट किया हमने, ये पूरा 12 से कट किया 20 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, ये कितना आ गया 19। अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर, ये मल्टीप्लाई करके नहीं लिख रहा, सिंपल इसी तरीके से लिख रहा हूं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम लग रहा है इसे 4, तो कितना आ जाएगा 95 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गया मेरे पास 95 किलोमीटर पर आवर, ध्यान से देखना ठीक है। दूसरा, अगर गोकुल को टोटल 4 आवर्स लग रहे हैं और दोनों को गोकुल प्लस सुकू को 14 आवर्स लग रहे हैं, तो सुकू का टाइम भी आ जाएगा यहां से, सुकू का टाइम कितना आ जाएगा 10 आवर्स आ जाएगा या नहीं आ जाएगा बताओ। अब स्टूडेंट ध्यान से सुनना सारी बातें, अगर मैं सुकू की स्पीड गोकुल से ज्यादा मानता हूं, सुकू की स्पीड गोकुल से ज्यादा मानता हूं और दोनों का डिफरेंस है 55, तो अगर गोकुल की 95 आई है तो सुकू की कितनी हो जाएगी 55, ऐड कर दीजिए 150 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं डिस्टेंस निकालने लगूं किसकी, सुकू की, तो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर 10 घंटे चलता है तो कितना हो जाएगा 1500 किलोमीटर। लेकिन ये तो गलत है, जबकि हमने सुकू और कमल की जो टोटल डिस्टेंस निकाली थी वो कितनी निकाली थी 1100, मतलब ये स्पीड इसकी नहीं हो सकती है। केस कौन सा सही है, केस वही सही है जहां सुकू कम है किससे, गोकुल से। अगर गोकुल से कम है तो अब सुकू की जो स्पीड होगी वो क्या होगी 95 माइनस 55, जो कि कितनी आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, बात समझ में आती है। अब 40 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ रही है, और अगर इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आ रही है तो ये 250 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लेगा, तो 250 अपॉन 40, आंसर कितना आ जाएगा आपका 6.25 आंसर आर्स, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर है। क्लियर हो गई बात। अगर आपको देखो क्वेश्चन मैं लाता हूँ अच्छे अच्छे आपके एग्जाम के लेवल के लिए लाता हूँ, ठीक है, उससे ज्यादा हाई लेवल या लो लेवल मैं नहीं ला रहा हूँ, ठीक है, हाई लेवल भी करेंगे जब आरबीआई ग्रेड बी की बात आएगी, तो प्लीज लाइक जरूर करें भाई, कमेंट भी जरूर करें, मुझे कमेंट करके जरूर बताते रहें कि लेक्चर कैसा लग रहा है। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है और इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन कभी हो नहीं सकता। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड बिटवीन गोकुल एंड धामू, कितना आसान सा क्वेश्चन है। एक बात बताओ, अगर बात करें गोकुल की, तो गोकुल की स्पीड तो अभी निकाली मैंने 95 किलोमीटर पर आवर, निकाली या नहीं निकाली, और अगर बात करें धामू की, तो धामू की तो डायरेक्ट ही दे दी इसने 50 किलोमीटर पर आवर, ये दी हुई, और अगर रेशियो की बात करें तो क्या हो जाएगा 95 रेशियो 50, 5 से कट कर दीजिए 19 रेशियो 10, ये सही आंसर है बस। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपने देखा था, अगर आपने नबार्ड का पेपर दिया हो 2019 का, तो आपने देखा था कितनी सिंपल सी डीआईआई थी, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेटिव थी, लेकिन थी तो सिंपल ही ना। क्लियर है आपको। स्टूडेंट्स लेक्चर खत्म करने से पहले एक बार 2018 के रिजल्ट भी देख लेते, बहुत ही शानदार रिजल्ट थे। नबार्ड ग्रेड ए 2018 में 26 सिलेक्शन थी आउट ऑफ 46, सेबी ग्रेड ए 2018 में 41 सिलेक्शन थी आउट ऑफ 84, आरबीआई ग्रेड बी 2018 72 सिलेक्शन आउट ऑफ 127। एक बार फिर से 30% डिस्काउंट है सेबी कोर्सेज पे, आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं सेबी 30। तो आज की क्लास में इतना ही, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, बाहर नहीं निकलना है, थैंक यू।